पार्ट टू मौत की शुरुआत। जब उन्होंने उस ताले पे पत्थर मारा तो आसमान का रंग बदलने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। आसमान से तेज बिजली की आवाज आने लगी। ये सब देख के पहले तो तीनों घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा मौसम खराब है शायद आज। फिर दोबारा वो ताले को तोड़ने लगे। वही दूसरी तरफ गांव में जब लोगों ने मौसम को ऐसे बदलते देखा थे, वहां के एक बूढ़े बाबा ने कहा, अनर्थ, कोई वहां गया है, ये अच्छा संकेत नहीं है। तभी सारे गांव वाले बाबा की बात सुनकर डर गए और सब एक दूसरे को देखने लगे। अजबगढ़ के आसपास के सभी लोगों ने मौसम को ऐसे बदलते देखा जिससे सबके गले सूखने लगे। जहां शादी की तैयारी हो रही थी वहां भी सारे लोग एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे। तभी मोहन की माँ चिल्लाते हुए बोली, सरपंच जी, हमारा बेटा और उसके दोस्त कहीं दिख नहीं रहे, कहीं वो तीनों वही तो नहीं गए। ये सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगे। सरपंच जी बोले, मशाले लाओ और मेरे साथ चलो। सारे गांव के आदमियों ने होंठों में मशाले ली और उस महल की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ उन्होंने वो ताला खोला ही था कि उन्हें किसी की हिस्सेस की आवाज आई और साथ में एक आवाज जिसे सुनकर तीनों वही जम गए। तभी उन्होंने कुछ महसूस किया जैसे कोई उनके कान में हिस्सेस कर रहा हो। तीनों अपना वहम समझकर उस ताले को दूर फेंक दिया और उसके ऊपर के जंजीरें हटाने लगे। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक और दरवाजा दिखा जिसपे भी उसी तरह एक ताला लाल कपड़े में बंधा हुआ था। ये देखकर तीनों एक साथ बोले, एक और ताला। तभी उन्होंने महसूस किया जैसे उनके पीछे कोई है। तभी किसी ने उन्हें जोर से वहां गिरा दिया। ये देख तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक से किसी ने उन्हें पाकर लिया, मानो जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, जिससे उनकी सांसें फूलने लगी। वही दसूरी तरफ गांव वाले जल्दी जल्दी चलते हुए उसी तरफ आ रहे थे। आगे बढ़ते समय जो ताला उन तीनों ने फेंका था उसे देख के सरपंच और गांव के सभी लोग और जल्दी जल्दी कदम बढ़ने लगे। जब गांव वाले और सरपंच वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबके हाथ पांव ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उन्होंने देखा वहां का एक दरवाजे का ताला तोड़ दिया गया है और वहां एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। सरपंच ने कहा, मेरा बेटा कहां है? जब उन्होंने आगे देखा तो एक और लाश पर वो भी सरपंच का बेटा नहीं था। वो लोग चारों तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि उसका मेन गेट अभी भी बंद था, जिसे देख के गांव वालों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन सरपंच का बेटा उन्हें अभी भी नहीं दिखा था। तभी अचानक से उन्होंने गेट के ऊपर देखा जहां सरपंच का बेटा लटका हुआ था। ये देख के सरपंच वही गिर पारा। तभी अचानक गांव वालों को किसी के हिस्सेस करने की आवाज आई जिससे सुनके सभी डर से कांपने लगे। तेज हवाओं के बीच गांव वालों ने सरपंच उठाया और कहा, अभी हमें यहां से चलना चाहिए, अभी एक गेट खुला तो इतनी मौतें हो गई, क्या होगा जब इसका मेन गेट खुलेगा, भगवान ही जाने क्या कहर बरसेगा। गांव वालों ने सरपंच जी संभाला और उनके बेटे और उनके दोस्त को वहां से लेकर गए। जाने से पहले बूढ़े बाबा जो उनके साथ आए थे पीछे मुड़ के देखा और मन ही मन सोचा, वो आने वाली है। जब सारे गांव वापस पहुंचे तो उन तीनों को देख के सबके होश उड़ गए। जब उन्होंने तीनों को देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों की आंखें चौड़ी थी, मानो जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था। उनका शरीर भी पूरा नीला परा हुआ था, लेकिन उनके शरीर पे किसी सांप के काटने का निशान नहीं था। जब मोहन की मां ने अपने बेटे को ऐसे परे हुए देखा तो उनके रोने का ठिकाना न रहा। उनका इकलौता बेटा अब उनके बीच नहीं रहा, जिसकी शादी थी कल, उसके माँ बापे तो जैसे पहाड़ ही गिर गया। तभी गांव वालों ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अब हमें इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए, सुबह होने वाली है। आज एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। जहां चारों ओर खुशी का माहौल था वो खुशी से मातम में बदल गया था। सुबह उन तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद सब बूढ़े बाबा बोले, वो आने वाली है अपना बदला लेने। ये सुन के सबके होश उड़ गए और सभी हैरानी से बाबा की तरफ देखने लगे। जो कि सबसे बुजुर्ग थे इसलिए सभी गांव वाले उनका आदर करते थे। बहुत सालों पहले बाबा के सभी घर वाले उसी महल में गायब हो गए थे। गांव वालों ने बाबा से कहा, फिर हम क्या करें जिससे सभी के गांव बचे रहे और सब शांति से रह पाए। फिर बाबा ने कहा, हमें उन्हें बुलाना पड़ेगा जिन्होंने सालों पहले उस महल को अपनी सिद्धियों से बंद किया था। तभी गांव के किसी ने कहा, लेकिन वो तो अब यहां नहीं है बाबा, और वो कहा है किसी को नहीं पता। फिर बाबा ने कहा, अब जो होगा हम उसको रोक नहीं सकते, अब तो सिर्फ महाकाल ही हमें बचा सकते हैं। उन तीनों ने उसका सिर्फ आगे का गेट खोला तो ये हुआ, जाने आगे क्या होगा। उन्हें उस महल में नहीं जाना चाहिए था। हे महाकाल, अब आप ही सबको इस विपदा से बचा सकते हैं। सभी लोगों ने महाकाल का नाम लिया और अपने अपने घर चले गए। बाबा कुछ देर वहीं रुके, फिर वो भी वहां से चले। क्या आगे का गेट खुलेगा? क्या वो आजाद हो जाएगी जो कैद है उस महल में? क्या कोई आएगा जो उन्हें बचाएगा आने वाले तूफान से? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।
पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करो।